जय जिनेन्द्र। वंदे तु सर्व सिद्धे ध्रुव ममल मणोवमंगदिं पते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है और वर्णन चल रहा है कर्ता और कर्म में निश्चय की अपेक्षा से किस प्रकार अभेदपना है, व्यवहार की अपेक्षा से किस प्रकार भेदपना है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था जिस प्रकार खड़िया के द्वारा दीवार को सफ़ेद किया जाता है, लेकिन दीवार को सफ़ेद करने के कारण से उसमें सफ़ेदी, उसे हम सफ़ेदी नहीं कहते हैं बल्कि उसमें सफ़ेद करने का स्वभाव स्वयं से ही पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि यह कोई जीव जानता है अथवा देखता है अथवा श्रद्धान करता है अथवा पदार्थों का त्याग करता है, तो पदार्थों का त्याग करने के कारण से अथवा पदार्थों को जानने के कारण से यह ज्ञाता नहीं कहलाता है बल्कि जानना तो इसका स्वभाव है। यहाँ तक निश्चय का वर्णन चार गाथाओं के माध्यम से आचार्य भगवान ने किया। आज की इस कक्षा में हम 391 नंबर की गाथा से आगे की चार गाथाएं पढ़ेंगे जिसमें निश्चय का वर्णन के पश्चात आचार्य भगवान व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं, देखते हैं। एवं तुणिच्छयणयस्य भासिदं नाणिदंशणचरित्ते सुणु व्यवहारिणयस्य यवत्तव्यं शेषमासेन बोलिए। एवं तुणिच्छयणयस्य भासिदं नाणिदंशणचरित्ते सुणु व्यवहारिणयस्य यवत्तव्यं शेषमासेन एवं तुणिच्छयणयस्य भासिदं नाणिदंशणचरित्ते सुणु व्यवहारिणयस्य यवत्तव्यं शेषमासेन। अर्थ देखें। एवं तुणिच्छयणयस्य, एवं अर्थात इस प्रकार, निच्छयणयस्य निश्चयनय का, भासिदं कथन कहा गया के संबंध में, नाण दंशन चरित्ते ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में। हमने जो पिछली चार गाथाएं पढ़ी उन चार गाथाओं में ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में निश्चय का कथन कहा गया। क्या कहा गया था उसको भी हम अगर यहाँ संक्षेप में समझें, पिछली बात को, पिछली कक्षा को हम स्मरण करें। यदि खड़िया के द्वारा या जो सफ़ेद होने करने वाली जो मिट्टी है उसके द्वारा किसी दीवार को सफ़ेद किया जाता है, इस कारण से वह खड़िया कहलाती है, इस कारण से वह सफ़ेदी कहलाती है, सो बात नहीं है, वह तो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार वहाँ पर पिछली चार गाथाओं में हमने कथन किया था, हमने समझा था यदि कोई द्रव्य या हम जीव की बात करें, यह आत्मा जब किसी अन्य परद्रव्य को जानती है तो अन्य परद्रव्य को जानने के कारण से ज्ञाता नहीं है बल्कि जानना इसका स्वभाव है। इसी तरह दर्शन में, इसी तरह चारित्र में यदि वह वस्तुओं का त्याग करती है, आत्मा यदि विरमत होती है अर्थात संयत्ता को प्राप्त होती है, वस्तुओं का त्याग करती है, तो वस्तुओं का त्याग करने के कारण से उसने चारित्र को अंगीकार किया या उसके चारित्र कहा जाए, सो बात नहीं है, यह तो उसका स्वभाव कहा जाएगा। तो ये जो कथन हुआ ये निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन हुआ। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं सुणु अर्थात सुनो व्यवहारिणयस्य व्यवहारिणय का। अब तक जो वर्णन हुआ या अब तक जो कथन हुआ वो निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन कहा गया, अब व्यवहार नहीं को सुनो, यह मतलब जो
वक्तव्यम अर्थात व्याख्यान से मतलब उसे समासेण संक्षेप में, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त छोटे रूप में। अब तक निश्चय का वर्णन हुआ, अब यही वर्णन व्यवहार की अपेक्षा से संक्षेप में सुनो। कहने का तात्पर्य ये है, आचार्य भगवान इस गाथा में हमें समझा रहे हैं, अब तक जो हमने चार गाथाओं के माध्यम से वर्णन किया वह वर्णन निश्चय नहीं की अपेक्षा से था। अब आगे जो वर्णन हम कर रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में, वह व्यवहारिक नहीं की अपेक्षा से है। उस व्यवहार नहीं की अपेक्षा से होने वाले कथन को, वर्णन को ध्यान से सुनो। गाथा का भावार्थ देखें, ऐसा यह दर्शन ज्ञान और चारित्र के विषय में निश्चय नहीं का कथन हुआ। अब जो व्यवहार नहीं का वचन है, कथन है, उसे संक्षेप से कहते हैं, उसे सुनो। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। ऐसे विबोध व्रत दर्शन तीन प्यारे, होते सुनिश्चय सदा अघहीन सारे। संक्षेप में अब सुनो व्यवहार गाथा, सन्मार्ग साधक सुनिश्चय का विधाता। पद्यानुवाद में आचार्य भगवान कह रहे हैं, विबोध अर्थात ज्ञान, व्रत मतलब चारित्र और दर्शन, ये जो तीन प्यारे रत्न हैं, होते सुनिश्चय निश्चय रूप से जो कथन किए गए हैं, सदा अघहीन सारे, अघ का मतलब होता है पाप, पाप से रहित होते हैं, पाप को दूर करने वाले होते हैं और आत्मस्वरूप को प्राप्त कराने वाले होते हैं। इस प्रकार निश्चय का वर्णन हुआ। अब आगे व्यवहार की जो गाथा है, व्यवहार का जो कथन है, उसे सुनो। कैसा है वह व्यवहार? सन्मार्ग साधक, सन्मार्ग जो निश्चय मार्ग है उसका साधक है, उसका साधन है। इसलिए व्यवहार ने को हम व्यर्थ नहीं कह सकते, व्यवहार ने को हम हे नहीं कह सकते, व्यवहार ने को हम झूठा नहीं कह सकते। दोनों नए अपने अपने स्थान पर पूर्ण रूप से सत्य है, सही है, उपादेय है। जब एक नए की बात करेंगे तो दूसरा नए स्वयमेव उस अपेक्षा से हे हो जाता है, लेकिन जब दोनों नए की बात करेंगे तो दोनों नए अपनी अपनी अपेक्षा से उपादेय है। इसलिए यहाँ पर निश्चय का कथन करने के पश्चात आचार्य कुंद स्वामी महाराज स्वयं कह रहे हैं, अगर एक ही कथन करना होता तो आचार्य भगवान कह देते हो गया निश्चय, अब आगे बढ़ो, लेकिन वे स्वयं कह रहे हैं जो व्यवहार है वह साधन है। इसलिए अब उस व्यवहार के कथन को भी सुनते हैं, देखते हैं अगली गाथा। जह पर दौवम सेट दी, जह पर दौवम सेट दी, हुसेटिया अपनो सहावेण, तह पर दौवम जान दी, तह पर दौवम जान दी, नादा विषयेण भावेण, नादा विषयेण भावेण। बोलिए, जह पर दौवम सेट दी, उसेठिया अपनो सहावेण, तह पर दौवम जान दी, नादा विषयेण भावेण। जह पर दौवम सेट दी, उसेठिया अपनो सहावेण, तह पर दौवम जान दी, नादा विषयेण भावेण। अर्थ देखें, जह पर दौवम सेट दी, जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, परदव्यम पर द्रव्यों को सेटदी अर्थात सफ़ेद करती है, हु मतलब निश्चित रूप से, सेटिया मतलब खड़िया, खड़िया मतलब वो सफ़ेद मिट्टी जो दीवार पर लग जाने से दीवार सफ़ेद हो जाती है। तो जो खड़िया है, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं आचार्य भगवान, जह सेटिया जैसे वह खड़िया परदव्यम सेटदी, अन्य पर द्रव्यों को, दीवार आदि अन्य पर द्रव्यों को
सेटदि अर्थात सफ़ेद करती है। किस कारण से सफ़ेद करती है? अपणो सहावेण, अपने स्वभाव के कारण से, अपने स्वभाव के द्वारा। यहाँ आचार्य भगवान हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि वह दीवार को सफ़ेद करने के कारण से सफ़ेदी नहीं कही जाती, बल्कि उस सफ़ेदी का स्वभाव ही ऐसा है कि वह वस्तु को सफ़ेद करती है। भाव हमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझना है। दीवार को सफ़ेद करने के कारण से हमने उसे खड़िया या सफ़ेदी नहीं कहा, बल्कि वह उसका स्वभाव है कि वह वस्तु को सफ़ेद कर रही है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं वस्तु को सफ़ेद करने के कारण से हम उसे सफ़ेदी नहीं कहते, बल्कि अपणो सहावेण, अपने स्वभाव के द्वारा वह अन्य पर द्रव्य को सफ़ेद करती है। तह अर्थात उसी प्रकार परदव्यम जानदी, परदव्यम पर द्रव्य को, अन्य पर पदार्थों को, जानदी अर्थात जानता है, नादावी ज्ञाता भी, जानने वाला आत्मा भी। किस कारण से जानता है? सयेण भावेण, सयेण अर्थात स्वयं के, अपने, भावेण अर्थात भाव के द्वारा। उसी प्रकार वह ज्ञाता भी अन्य पर द्रव्यों को अपने स्वभाव से, अपने भाव के द्वारा जानता है, उसी कारण से जानता है। कहने का तात्पर्य है ज्ञाता दृष्टा रह करके, आगे की गाथाओं में दर्शन की चारित्र की बात करेंगे, उसमें भी हमें यहाँ पर यही समझना है कि जो ज्ञाता है, जो आत्मा है, वह अन्य पर पदार्थों को जान रहा है इसलिए ज्ञाता है, या फिर उसका स्वभाव है इसलिए ज्ञाता है। यहाँ पर हमें सुनने में लग रहा है कि एक जैसी बात है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। वस्तुओं को जानने के कारण से हम उसे ज्ञाता कहेंगे, अथवा जानना उसका स्वभाव है। उत्तर मिलेगा जानना उसका स्वभाव है, जानना स्वभाव होने के कारण से। इसीलिए आचार्य भगवान जो अंतिम चरण में जो अंतिम शब्द है उसको ध्यान से यहाँ पर समझना है, सयेण भावेण, स्वयं के भाव के द्वारा, अपने भाव के द्वारा वह ज्ञाता भी अन्य पर द्रव्यों को जानता है। उनमें वो तन्मय नहीं होता या तद्रूप नहीं होता है। यहाँ पर यह समझना चाहिए कि अन्य पर द्रव्यों को जानने के कारण से हमने उसे ज्ञाता नहीं कहा, बल्कि जानना उसका अपना स्वभाव है, और अपना स्वभाव होने के कारण से वह ज्ञाता भी अन्य पर द्रव्यों को जानता है। कैसे? जैसे यहाँ उदाहरण दिया, जैसे वह सफ़ेदी अर्थात खड़िया अपने स्वभाव से, उसका स्वभाव है वस्तु को सफ़ेद करना, अन्य पर द्रव्यों को सफ़ेद करना, इस कारण से वह अन्य पर द्रव्यों को सफ़ेद करती है। ठीक उसी प्रकार से जानना आत्मा का भाव है, स्वभाव है, इस कारण से वह ज्ञाता आत्मा अन्य पर द्रव्यों को जानता है। गाथा का भावार्थ देखें, जैसे खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा भीत आदि, भीत का तात्पर्य दीवार, दीवार आदि पर द्रव्य को सफ़ेद करती है, उसी प्रकार जानने वाला भी अपने स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को जानता है। पद्यानुवाद देखें, चूना निसर्ग धवला शशि से सुहाती, दीवार को उजल रंग यही दिलाती, विज्ञान से विशद विश्व सुजानता है, ज्ञाता बना सहज भाव सुधारता है। यहाँ पर एक शब्द है निसर्ग, निसर्ग अर्थात स्वभाव, स्वभाव से वह चूना धवला जो सफ़ेद करने वाली वस्तु है वो शशि सी सुहाती अर्थात चंद्रमा के समान सुशोभित होती है, और दीवार को वो उजला बना देती है। उसी प्रकार विज्ञान से, ज्ञान के द्वारा यह जो विश्व को जानता है, संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण लोक को, अलोक को, जो यह आत्मा जानता है, यह ज्ञाता बना सहज भाव, वस्तुओं को जानने के कारण से ये ज्ञाता नहीं है, अपितु सहज भाव अर्थात स्वाभाविक भाव के कारण से, धारण करने के कारण से यह वस्तुओं को जानता है। जानने की बात हो गई, अब आगे की गाथा में दर्शन की बात कह रहे हैं, देखें।
जह पर दौवम सेटदि जह पर दौवम सेटदि हुसेटिया अपनो सहावेण तह पर दौवम पश्यदि तह पर दौवम पश्यदि जीवो विषयेण भावेण जीवो विषयेण भावेण बोलिए जह पर दौवम सेटदि उसेटिया अपनो सहावेण तह पर दौवम पश्यदि जीवो विषयेण भावेण जह पर दौवम सेटदि सेठिया अपनो सहावेण तह पर दौवम पश्यदि जीवो विषयेण भावेण। अर्थ देखते हैं, जह पर दौवम सेटदि, जह मतलब जैसे, जिस प्रकार, पर दव्वम पर द्रव्य को, पर पदार्थ को, सेटदि अर्थात सफ़ेद करती है, सेटिया अर्थात खड़िया सफ़ेदी, जैसा कि पिछली गाथा में कहा था वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है। उदाहरण के माध्यम से हमें समझा रहे हैं आचार्य भगवान कि जैसे वह खड़िया अन्य पर पदार्थ को सफ़ेद करती है, किस कारण से करती है, अपणो सहावेण, अपणो अर्थात अपने स्वयं के, सहावेण अर्थात स्वभाव के द्वारा, क्योंकि सफ़ेद करना उस खड़िया का स्वभाव है। पदार्थ को सफ़ेद करने के कारण से हम उसे सफ़ेदी या खड़िया नहीं कहते, बल्कि उसका स्वभाव, उसका भाव है सफ़ेद करना। तो जैसे वह अपने स्वभाव के द्वारा अन्य पर द्रव्यों को, अन्य पर पदार्थों को सफ़ेद करती है, तह वैसे ही उसी प्रकार पर दव्वम पश्यदि पर द्रव्य को, पश्यदि अर्थात देखता है। पिछली गाथा में जानने की बात थी, इस गाथा में देखने की बात है। उसी प्रकार यह जीवो भी अर्थात जीव भी, आत्मा भी, सैन भावेण अपने स्वभाव से, अपने भाव के द्वारा पश्यदि पर द्रव्यम पर द्रव्य को देखता है। कहने का मतलब यह है, पर द्रव्य को देखने के कारण से हम जीव को दृष्टा नहीं कहते, बल्कि जीव का स्वभाव है दृष्टा। इस कारण से वह अपने स्वभाव के कारण से, अपने भाव के कारण से अन्य परद्रव्यों को देखता है, ऐसा यहाँ पर हमें समझना चाहिए। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जैसे परद्रव्य को जो सफ़ेदी है, खड़िया है, वह अपने स्वभाव के द्वारा सफ़ेद करती है, तह ठीक उसी प्रकार जीवो भी, यह जीव भी, सैन भावेण अपने भाव के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा पर दव्वम पश्यदि पर द्रव्य को देखता है। कहने का तात्पर्य हुआ, पर द्रव्य को देखते हुए भी वह उसमें तन्मय तद्रूप नहीं होता। दूसरी बात, पर द्रव्य को देखने के कारण से उसे दृष्टा नहीं कहा, बल्कि ये तो उसका स्वभाव है, और स्वभाव होने के कारण से वह अन्य पर द्रव्यों को देखता है, ऐसा समझना चाहिए। भावार्थ देखें। जैसे खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा भीत आदि अर्थात दीवार आदि पर द्रव्यों को सफ़ेद करती है, उसी प्रकार दर्शक भी अर्थात देखने वाला भी अपने स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को देखता है। पद्यानुवाद पढ़ते हैं। चूना निसर्ग धवला शशि से सुहाती दीवार को उजल रूप यही दिलाती आलोक से सकल लोक आलोक देखा दृष्टा बना विमल दर्शन पासु रेखा। ज्ञान की बात हो गई, दर्शन की बात हो गई, अब अगली गाथा में चारित्र रूप जो विरमण है अर्थात वस्तुओं का त्याग है, उसकी आगे चर्चा करते हैं। देखें। जह पर दौवम सेटदि जह पर दौवम सेटदि हुसेटिया अपनो सहावेण हुसेटिया अपनो सहावेण
तह पर दव्वं विरमदि तह पर दव्वं विरमदि नादा विषयेण भावेण नादा विषयेण भावेण बोलिए जह पर दव्वं सेटदि उसेटिया अपणो सहावेण तह पर दव्वं विरमदि नादा विषयेण भावेण जह पर दव्वं सेटदि उसेटिया अपणो सहावेण तह पर दव्वं विरमदि नादा विषयेण भावेण। गाथा का अर्थ है जह पर दव्वं सेटदि। जह अर्थात जैसे, जिस प्रकार, पर दव्वं पर द्रव्यों को, सेटदि अर्थात सफेद करती है। वही उदाहरण यहाँ पर फिर से दे रहे हैं आचार्य भगवान। जैसे सेटिया अर्थात वह खड़िया अन्य पर द्रव्य को सफेद करती है, अपणो सहावेण अपने स्वभाव के द्वारा। सफ़ेद करना उसका स्वभाव है, इस कारण से वह खड़िया अन्य पर द्रव्यों को सफ़ेद करती है। तह उसी प्रकार पर दव्वं विरमदि पर द्रव्य को विरमदि अर्थात छोड़ता है, पर द्रव्य से विरक्त होता है। नादावि अर्थात ज्ञाता भी, कैसा ज्ञाता, जो संयत है, विरक्त है, जो त्याग करने वाला है, ऐसा वह संयत भी सयेण भावेण अपने स्वभाव के द्वारा उन पर द्रव्य को छोड़ता है। कहने का तात्पर्य हुआ वह संयत क्यों कहलाता है, अन्य पर द्रव्यों को छोड़ा इसलिए संयत कहलाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि छोड़ना उसका स्वभाव है, अन्य पर द्रव्यों को ग्रहण नहीं करना उसका स्वभाव है, इस कारण से वह संयत भी अपने स्वभाव के द्वारा अन्य पर पदार्थों को, पर द्रव्य को छोड़ देता है। जैसा कि पहले की गाथाओं में हमने ज्ञान की अपेक्षा से चर्चा की, देखने की अपेक्षा से चर्चा की, यहाँ इस गाथा में आचार्य भगवान छोड़ने की, विरक्त होने की, संयत की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, और आगे की गाथा में श्रद्धान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे। वही बात यहाँ पर समझना है, चारों चीज़ें दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये स्वभाव रूप में हैं। कहने का तात्पर्य आत्मा ज्ञाता, दृष्टा अथवा विरक्ता, संयत, ये अन्य पर पदार्थों के कारण से नहीं कहा जाता। अन्य को जानता है, पर पदार्थों को जानता है इसलिए ज्ञाता है, ऐसा नहीं है। अन्य पर पदार्थों को छोड़ता है इसलिए संयत है, ऐसा नहीं है, बल्कि वह सयेण भावेण अपने स्वभाव के द्वारा अन्य पर द्रव्यों को छोड़ता है इसलिए संयत है। ये बात हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जह पर दव्वं सेटदि, जैसे नीचे की पंक्ति में दिया हुआ है, सेटिया अर्थात सफेदी खड़िया पर दव्वं सेटदि पर द्रव्य को सफेद करती है, अपणो सहावेण अपने स्वभाव के द्वारा। जैसे वह खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा अन्य पर द्रव्य को सफेद करती है, तह उसी प्रकार नादावि आत्मा भी, कैसा आत्मा, संयत आत्मा भी सयेण भावेण अपने स्वभाव के द्वारा पर दव्वं विरमदि पर द्रव्य को छोड़ता है, पर द्रव्य से विरक्त होता है। गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं। जैसे खड़िया अपने स्वभाव के द्वारा भीत आदि पर द्रव्यों को सफेद करती है, उसी प्रकार संयत भी अपने स्वभाव के द्वारा पर द्रव्य को छोड़ता है। चूना निसर्ग धवला शशि से सुहाती दीवार को जल रूप यही दिलाती यो जान मान पर को पर रूप ज्ञानी है त्यागता व भजता निज रूप ध्यानी। अंतिम दो पंक्तियों में कह रहे हैं यो जान, इस प्रकार जान करके, मान मान करके, पर को पर अन्य को अन्य रूप जान करके ज्ञानी आत्मा त्यागता सब कुछ छोड़ देता है और निज रूप ध्यानी होकर के आत्मा का भजन करता है।
अन्य पर पदार्थों को छोड़ने से तात्पर्य है अपने स्व संवेदन ज्ञान रूप शुद्ध उपयोग में वह आत्मालीन हो जाता है, अन्य से उदासीन हो जाता है परंतु तन्मय नहीं होता है। यही बात आज की इन चारों गाथाओं से हमें समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली, श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना, वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता, वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला, वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष, श्रेया, क्षितिज, पेशवे प्लॉट, यवतमाल, महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184, N5, सावरकर नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।